आजकल के समय में वृद्ध आश्रम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में आपका दोस्त डॉक्टर पी के अग्रवाल, समाज सुधारक, लेके आए एक नया वीडियो कि माँ बाप की सेवा करने के क्या फायदे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्या होगा आपके साथ, आपके दिल को सुई चुभाने के लिए आया है एक नया वीडियो लेके। जो करेगा अपने माँ बाप की सेवा उसकी भी होगी सेवा, क्योंकि बूढ़े तो सभी को होना है। आज आप जवान हैं, माँ बाप को आपकी ज़रूरत है, चलो उनका स्वभाव बदल गया, बुढ़ापे में थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दें। और कई रिसर्च हुए, ऐसे स्टडीज़ हुई कि जो वृद्ध आश्रम में जो लोग हैं उनके बच्चे अच्छे एफ्लुएंट क्लास हाई प्रोफाइल जॉब्स में हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स, उनके बच्चे वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। गरीबों के बच्चे माँ बाप को वृद्ध आश्रम में बहुत कम संख्या में छोड़ के आते हैं। अधिकतर जो वृद्ध आश्रम में 80-90% माँ बाप हैं वो अमीरों के बच्चे हैं, पढ़े लिखे अमीर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन माँ बाप की, बच्चे की उम्मीद, पता नहीं डिस्किपेंसी, मिसमैच क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में चिंतन का विषय है। चिंता का तो विषय है ही, चिंतन का विषय है, चिंतन मनन का विषय है। क्या ऐसे ही रोज रोज नए नए वृद्ध आश्रम खुलते रहेंगे? जब देखो वृद्ध आश्रम का जी शुभारंभ हो रहा है, वहां पे एक नया वृद्ध आश्रम खुल गया, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है, सप्लाई कम है, बहुत ज्यादा डिमांड में है वृद्ध आश्रम। तो दो तीन बातें अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा करने से आपकी आत्मा रोकेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे हम पहले कहते थे जी हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, किसी मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप ये बोला करो कि मैं अब मेरे माँ बाप के साथ रहता हूँ। ये मत बोलो कि मेरे माँ बाप मेरे साथ, मैं रखता हूँ जी उनको, कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उन्होंने आपको बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, तो आप उनका माँ का एहसान तो कभी उतार ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। चलो एहसान उतारने की तो बात छोड़ो, लेकिन उनको आप कम से कम बुढ़ापे में जब उनको आपकी ज़रूरत है उनको आप वृद्धाश्रम में पटक के आ जाएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दो तीन नुकसान आपको होने वाले हैं। पॉइंट नंबर वन, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं, गवाह है, उसकी सेवा नहीं होगी बुढ़ापे में, वो उसको भी अकेले ही रहना पड़ेगा, या तो बच्चे विदेश चले जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे सात समुद्र पार करके अमेरिका कनाडा, आप अकेले रह जाएंगे। चलो वृद्ध आश्रम ना भी छोड़ के आए, ऐसा हो ही रहा है आजकल, तो दो बेटियां हैं, एक बेटा है, पता लगा जी तीनों जी अमेरिका चले गए, डॉक्टर साहब कनाडा, बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमने गड्ढे खोदे हुए हैं ना, उस गड्ढे में गिरने की तैयारी हमने खुद कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मोड में सब काम हो रहा है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड का जो लॉज है वो बहुत क्लियर कट है, 100% फुल प्रूफ है। आजकल के बच्चे मोस्टली ओवरसीज जा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, तो वो 99% वापस नहीं आने वाले, तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा हुआ है। बच्चे पढ़ने के बहाने से जा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा जी लंदन में जा रहा है जी मास्टर्स करने, पीएचडी करने, तो आपको अकेले होना ही पड़ेगा। अगर आपने अपने माँ बाप को छोड़ा हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी उनसे माफ़ी मांगे, रियलाइज करें, उनको ले आएं। आपको उससे करने में मन की शांति भी मिलेगी, मन का चैन भी मिलेगा, नहीं तो मनवा, ये आपका मनवा आपको बेचैन करके रखेगा। आत्मा मन, ऊपर से आप खुश दिखाई देंगे लेकिन अंदर से आत्मा जो बैठी है हमारी,
वो आपको रात को बेचैन करके रखेगी, सोने नहीं देगी। बड़े बुजुर्ग अगर चलो फल नहीं दे रहे, किसी काम के नहीं है, कहते ना दूध देती हुई गाय की लात भी भली। बड़े बुजुर्ग चलो मान लो आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हमें काम करना पड़ता है, उनको डॉक्टर को दिखाना है, बीमारी है, परेशानी है, दर्द की ट्यूब लगानी पड़ती है, सिकाई करनी पड़ती है, पाँव में दर्द है, गिर गए, चोट लग गई, दिखना कम हो गया, बड़बड़ भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम फल फूल नहीं दे रहे हैं तो छाया तो देते हैं, आपकी घर की रखवाली भी करते हैं। आपने मेड रख ली, फुल टाइम सर्वेंट रख लिया, आप मियाँ बीवी वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है, हस्बैंड भी काम पे चला गया, कम से कम घर की देखभाली भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, नौकरों से काम भी करा लेते हैं, फुल टाइम रख भी लिया, वो आपका आपके बच्चों का भी लालन पालन करते हैं, आपके बच्चे हैं उनको संस्कार भी देते हैं, कार आप दिलवाएंगे, टाइम आपके पास नहीं है, आपने पैसा कमाया, संस्कार तो आपके माँ बाप ही देंगे, बड़े बूढ़े माँ बाप, तो आपके बच्चों को संस्कार दिए घर में, जैसे बड़े बूढ़े फेल आपको वृक्ष छाया देते हैं, तो आपकी घर की रक्षा भी करते हैं, रखवाली भी करते हैं, देखभाल करते हैं, तो ये फायदे भी बहुत है भैया। फायदे ना भी हों, आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, एडजस्ट करें। आप अपनी बीबी के साथ भी तो एडजस्ट करके रह रहे हैं ना, बनती का है आपकी, लेकिन रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, समाज की शर्म के मारे रह रहा जी, मेरे तो बिल्कुल नहीं विचार बदलते जी, इससे ये कहना ही नहीं मानती है जी, अपनी मनमानी करती है जी, किटी में घूमती रहती है जी, उसके साथ रह रहे हैं ना, तो वैसे माँ बाप के साथ भी रहें, उनके आप उनके साथ रहें, उनको अपने साथ रखें। छोटी मोटी बातें, काम की बातें आपका दोस्त समय समय पर लेता है, आता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जो थोड़े से ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न बन रहे हैं, इंडो वेस्टर्न बन रहे हैं, इनको वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि दो चार के भी आत्मा अगर पिघल जाए मन, और वो अपने जाके इस वीडियो को सुन के अगर उनके अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम से घर पे वापस ले आएंगे, तो हमारा ये मिशन, हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या अभी आपने भी ऐसी गलती की हुई है, क्या गलती करने की सोच रहे हैं, जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।